ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من دكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون یہ البقرة بقرہ کی آیت نمبر 49 تا 50 अभी मैंने आपके सामने शुर बकरा की आयत नंबर उनचास और पचास पेश की है इस आयत का तर्जमा और इसकी एक इजमाली तफसर हम इससे पहले देख चुके हैं आज इन्हीं आयात से मुतलिक कुछ और चीज़ें आपके सामने रखनी अल्लाह फरमाता वीना कुमिन फिर की याद करो यानी बनो इसराइल से खताब करा ला तला और उनको याद दिला रहा बनु इसाइल को यहूद को अपनी बहुत सारी नमतें याद दिला रहा उन्हीं में से एक अज़ीम शान नमत यह है कि अल्लाह बनु इसाइल को फिरओन उसकी कौम के जुल्म उनके मजालिम से आज़ाद कराया था तो अल्लाह फरमाता वैना को मिन आल फिरौना जब हमने तुम्हें निजात दी तुम्हें बचाया मिन आल फ़िरउन आल फिर मतलब आल मतलब फ़िरौन की कौम सिर्फ़ फ़िरन के ख़ानदान वाले नहीं बल्कि आल फिर के ख़ानदान वाले फ़िरौन की कौम सब मुराद तो अल्लाह फरमाता है जब हमने तुम्हें आल फ़िर से फिर और उसकी कौम से निजात दिलाई यसुमु नकुम सो अल अजब युद्बन अब नकुमय जो कौम यानी फ़िरन की कौम तुम्हें अजाब में मुबला कर रही थी तुम्हारे बेटों को जबा कर रहे थे ये लोग और तुम्हारी औरतों को छोड़ दे रहे थे उनको कैदी बना रहे थे यहाँ पर आईम तफसीर में से एक मशहूर इमाम इमाम तबरी रहमुल्ल ने बहुत अहम नुक्ता पेश किया है वो मैं आपके सामने बतौर फ़ायदा पेश कर देना चाहता हूँ कि यहाँ अल्लाह रबालमीन ने कहा मिन आ लिखिराऊंगा यानी फिरओन आले फ़िरौन फिरौन की कौम वाले फ़िरौन के ख़ानदान वाले उसकी कौम वाले ये लोग बनो इसराइल को अजाब दे रहे थे मर्दों को कत्ल करते और औरतों को क़ैदी बनाते तो अल्लाह रबालमीन ने यहाँ पर ये जो कत्ल और क़ैद की जो नस्बत है वो सिर्फ़ फिरौन की तरफ नहीं किया अल्लाह तल्कि कौमें फिर की तरफ किया है अल्लाह तला ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि फिर बनु इसराइल के बच्चों को कत्ल कर रहा था फिर बनु इसराइल की खातिन को कैद कर रहा था उनको वादी बना रहा था तो अल्लाह ताला ने इस जुल्म की नस्बत फिरऊन की तरफ नहीं किया है कौमी फिरा की तरफ किया है जबकि इसका हुक्म देने वाला और इस जुल्म को सपोर्ट करने वाला और इसकी पूरी सरपरस्ती करने वाला फिरौन था तो इस हवाले से इमाम तबरी रहम ने एक नुक्ता पेश किया है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं इमाम तबरी रहम इन आयत की तफसीर में लिखते हैं कहते हैं कि वह आذاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببني اسرائيل من سوءهم اياهم سوء العذاب وذبحهم ابنائهم इमाम तबरी हैं कि तबारक ने आजाफा पे की है। वहा नस्बतान आल फिरा फ्र का जो कुछ अमल था उनका जो कुछ जुल्म था बनु इसराइल के साथ उन्हें अजाब देना उनके बच्चों को जबह करना उनकी औरतों को कैदी बनाना इन सारे मजालिम की नस्बत अल्लाह तबारक वाली ने किए है दूना हिम दू ना कौम फिरओन की तरफ की है ना कि फिरौन की तरफ देख रहे हैं इमाम तबरी रहमला फरमा रहे हैं कि ये जो जुल्म जुल्मन इसराइल पर किया जा रहा था इस जुल्म की नस्बत अल्लाह तबारक ने फिरौन की तरफ नहीं कौम फिरौन की तरफ की है आगे कहते हैं वह इन काना फेफालिका कि गर्श कौम फिरओन ने ये जो कुछ किया था का कि सब कुछ कौम फिरा ने फिरओन के सपोर्ट से फिरओन की ताकत से और उसके हुक्म से किया था तो इमाम तबरी रह फरमाते हैं कि गर्श ये जुल्म फिरौन के हुक्म से हुआ था गरचे इस जुल्म के पीछे पूरी ताकत फिरौन की थी उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस जुल्म की nisbat फिरौन की तरफ नहीं की है बल्कि कौमे फिरौन की तरफ की है ले मुबाशरा तीहिम zalika क्योंकि फिरौन की कौम ही ने बराह रास डायरेक्ट यह जुल्म अपने हाथों से अंजाम दिए थे इसलूब इस से यह बयान फरमाया है कि जो शख्स भी बरा राश अपने हाथों से किसी शख्स को कत्ल करेगा या किसी जिंदा शख्स को सताएगा अजाब देगा

लेकिन जो लोग ये जुल्म ढाएंगे जुल्म की नस्बत उन्हीं की तरफ की जाएगी कमा अजाफलना अब नाइल या जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु इसराइल के बच्चों को जबह करने और बनु इसराइल की औरतों को कैदी बनाने के जुल्म को मंसूब किया है इस जुल्म की नस्बत की है इला आल फिर दूना फिर इसकी नस्बत की है आल फिर तरफ फिर इमाम तबरी क्या फरमा रहे अल्लाह ताला ने बच्चों के कत्ल और औरतों को कैद करना ये जो मजालिम हैं इनकी नस्बत अल्लाह ता ती है आल फिर तरफ फिर की तरफ नहीं वह इन कानू बेकुवती फिर व अमरी ही यादालिका फलू कि की से इन लोगों ने जो कुछ भी किया है ये फिर की ताकत के नीचे फिर के सपोर्ट से फिर की मदद से और फिर के हुक्म से किया है माँ गलाबती ही या हम व कहरी ही यानी सब कुछ फिर के हुक्म से किया है फिर के सामने ये सब मगलूब थे इसके बावजूद भी कहते माम तवरी रहुल्ला फी तो लिका कुल नफसन बे रि गई रही ठीक किसी तरह कोई भी शख्स जो किसी की हत्या करेगा किसी का कत्ल करेगा घर चाहिए वो किसी और के हुक्म से करे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पैसे लेकर किसी का मर्डर कर देते हैं हमारे यहाँ कहते हैं ना सुपारी लिया किसी के मर्डर की किसी को जान से मारने की तो जो सुपारी किलर होगा पैसे लेकर किसी को मारने वाला होगा तो पैसा देने वाला कोई और है हुक्म देने वाला कोई और है लेकिन कत्ल की नस्बत उसी शख्स की तरफ की जाएगी जिसने ब्राह अपने हाथों से किसी को मौत के घाट उतारा है वो शख्स भी गुनाहगार है ऐसा नहीं कि वो बरी है वो शख्स भी गुनाहगार है जिसने कत्ल का हुक्म दिया ऐसा नहीं कि कत्ल का हुक्म देने वाला बिल्कुल मासूम है नहीं वो भी गुनेगार है लेकिन कत्ल की जो नस्बत की जाएगी ये उसी शख्स की तरफ की जाएगी जिसने अपने हाथों से यह कत्ल किया है तो कहते हैं कुल कातिल फकिन मकतूल नजदीक मसला ये साबित होता है यानी ये जो नुकता निकालने इमाम तबारी रहमुल्ला उस नुकते से फिर एक मसला साबित कर रहे हैं कि मसला ये साबित होता है कि अगर किसी शख्स ने किसी और के हुक्म से गर उस हुक्म के आगे वो बेबस हो या वो किसी लालच में पड़ा हो किसी भी वजह से किसी के कहने से अगर एक शख्स किसी को जान से मार देता है तो इस्लाम में जो खून का बदला खून है ना कि अगर किसी को कत्ल किया गया है तो बदले में कातिल को भी कत्ल किया जाएगा तो अगर इस तरह के हालात हो कि एक शख्स ने कत्ल का हुक्म दिया दूसरे शख्स ने उसके हुक्म से कत्ल को अंजाम दिया है तीसरा शख्स मारा गया तो ये जो बीच वाला शख्स है ना बदले में इसी की गर्दन मारी जाएगी इसी को कत्ल किया जाएगा तो कहते हैं कातिल ही जो शख्स कत्ल की कार्रवाई अंजाम देगा कर्ज किसी के हुक्म पे उसी को कह बदले में मौत के घाट उतारा जाएगा उसी को खून के बदले खून के तहत मारा जाएगा वह इनका न कतल हुई लहु अला कत् गर्ची उसने जो कत्ल किया है किसी को तो इस शख्स को मजबूर किया किसी और ने हुम दिया ऑर्डर दिया फला को मार दे तो गर्ची किसी के कहने पर किसी के जबर पर इसने किसी को मारा है फिर भी कातिल यही माना जाएगा और कैसासन इसी को कत्ल किया जाएगा ये इमाम तबरी रहमुल्ला ने यहाँ से नुकता निकाला है ये एक फ़ायदे की बात थी एक इल्मी बात थी इमाम तबरी रह का एक इस्तदलाल था यहाँ पे वो मैंने आपके सामने पेश किया कि फिरौन जो इतना बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था उसने जो हुक्म दिया कि बच्चों को कत्ल किया जाए औरतों को कैद किया जाए तो इस हुक्म पर अमल करने वाले उसकी कौम के जो लोग थे उनकी तरफ अल्लाह ताला ने इस पाप को इस जुल्म को मंसूब किया है फिरौन का नाम लेके उसकी तरफ मंसूब नहीं किया है बल्कि आले फिरौन की तरफ मनसूख किया तो यहां से इमाम तबरी रहमल्ला ने एक नुकता निकाला था जिसे मैंने आपके सामने पेश किया आगे बढ़ते हैं अल्लाह फरमाता है इतना जयनाक मिन आरौना जब हमने तुमको नजात दी आले फिरौन से फिरौन का लफ्ज ये पहली बार आ रहा है कुरान में तो आइए फिरौन के बारे में भी कुछ चीजें अलग से देख लेते हैं फिराउन ये बादशाह का नाम नहीं है लकब है यानी मूसा को जिस बादशाह की तरफ भेजा गया था नबी बना के उसको समझाने के लिए तो उस बादशाह का फिर ये नाम नहीं था ये उसका एक लकब एक टाइटल के लीजिए कि उस वक्त उस जगह वो जो कुर्सी थी हुकूमत की उस पर जो शख्स भी बैठता था जो बादशाह भी बैठता था उसे फिरौन कहा जाता था जैसे रूम रूम की सल्तनत में जो हाकिम हुआ करता था उसको क़ैसर कहा जाता था तो क़ैसर ये नाम नहीं है बल्कि रूमी सल्तनत में जो शख्स भी हुकूमत संभालता था हाकिम होता था बादशाह होता था उसको क़ैसर के लक़ से जाना जाता था तो ऐसे ही मिस्र में जो शख़्स बादशाह होता था उसे फिरौन कहा जाता था इमाम इबन इस ने इसका जो नाम जिक्र किया है वो है अलवली बिन मुसह इब्न रैया ये नाम जिक्र किया है फिरौन का यानी उस वक्त का जो बादशाह था उस वक्त का जो फिरौन था तो फिरौन ये लकब है ये नाम नहीं है ये बादशाह का नाम नहीं है ये, ये लक़ब है जो भी उस वक्त बादशाह होता था उसे फिरौन कहा जाता था तो मूसा मूसास्लाम जिस फिरौन के पास यानी कई फिरौन होते थे जाहिर सी बात है कि एक शख्स मरता था फिर दूसरा बादशाह होता था तो सबको फिराउन कहा जाता था तो मूसा को जिस फिरौन के पास भेजा गया उसका नाम इमाम इसहाक और इसके बारे में बाज ने लिखा है कि 400 साल तक इसकी बादशाहत थी देखिए ये कुछ ऐसी बातें जो सही सन्स से हमारे पास नहीं है हम ऐसे ही बतौर फायदा आपके सामने जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हदस व अम्बन इसराइल वाला हरज कि बनु इसराइल से रिवायतें बयान कर सकते हैं इसमें कोई हरज की बात नहीं है लेकिन दूसरी जगह पर यह भी कहा है कि ला तो सद्दीकू हूँ वला तो कर्जीबू हूँ कि बनु इसराइल जब बयान करें तो ना उनको सच कहो ना उनको झूठ कहो तो पुरानी कौमों की जो रवायात हैं अगर कुरान हदीस से उनकी तस्दीक होती है तो ठीक है तकजीब होती तो गलत है लेकिन अगर कुरान और हदीस से उनकी तस्दीक या तकजीब नहीं होती है तो हम भी उनकी तस्दीक या तकजीब नहीं करेंगे लेकिन बयान कर सकते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सदन उनसे बयान कर सकते हो हरज की बात नहीं लेकिन बयान करते हुए तस्दीक या तकजीब नहीं कर सकते ना उनको सच्चा कहेंगे ना झूठा कहेंगे तो सिर्फ फायदे के तौर पर हम आपके सामने ये बातें रख रहे हैं है। कि इसके बारे में कहा जाता है कि चार सौ साल तक यानी चार सदी तक इसकी बादशाहत थी एक और चीज फिरौन के बारे में मैं आपके सामने वाजे कर दूं एक गलतफहमी है बहुत बड़ी गलतफहमी और पता नहीं कैसे ये लोगों की ज़बान पर यह बात आम हो चुकी है इसका रद्द करना इस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह फिरौन जिसकी तरफ मूसा अलै को भेजा गया था यह फिरौन दरिया में डूबने के बाद इसकी लाश जो दरिया ने बाहर फेंक दिया था वो लाश आज भी मिस्र के किसी अजायब खाने में रखी हुई है तो कहते हैं कि ये वही फिरौन है जिसकी तरफ मूसा अलीस्लाम को भेजा गया उसकी लाश आज भी मौजूद है अच्छा अगर इतनी बात कहते कि उसकी लाश आज भी मौजूद है उस जमाने के लोगों ने कोई केमिकल लगा के उसकी लाश को महफूज रखा तो ये भी बड़ा मसला नहीं था लेकिन बड़ा मसला तब पैदा होता है जब कहते हैं कि अल्लाह आलमीन ने कुरान में यह कहा है कि हम फिरौन की लाश को क़यामत तक बाकी रखेंगे ये बहुत ही ख़तरनाक बात हो जाती है कि अगर कहीं फ़िरौन की लाश है कोई उसे फ़िरौन की लाश माने कोई ना माने ये बड़ा मसला नहीं था लेकिन आप ये कह दें कि नहीं कुरान में है अल्लाह ताला ने कहा है कि हम फिरौन की लाश को क़यामत तक बाकी रखेंगे और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मजजा है ये क़ुरान का मुजजा है तो इस तरह की बातें अगर की जाए तो ये बहुत गलत बात हो जाती है क्योंकि कुरान में ऐसा कुछ नहीं देखिए कुरान में सूरे यूनुस आयत नंबर नाइन टू में अल्लाह ताला फरमाता है फलियोमा मा जी नी का बेबदानी का ले तक का आया आज हम तेरे बदन को तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे ले तकु न लिमन खलफका आया ताकि तेरे बाद के जो लोग हैं उनके लिए तो निशान इबरत बन सके तो अल्लाह ताला वहां कह रहा है कि आज हम तेरी लाश को तेरे जिस्म को लोगों को दिखाएंगे कि तू मर गया है लोग ये बात जान ले अब दरिया में फिर डूब जाता और उसकी लाश ना मिलती तो उस वक्त के लोग कह सकते थे कि ये जो कहता था कि मैं रब कहीं वाकई रब तो नहीं कहीं गायब हो गया तो अल्लाह तला ने उसकी लाश को दिखाया लोगों के सामने कहा फल योम आज आज हम तेरी लाश लोगों को दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये आदमी मर चुका है जो अपने आप को रब कहता था तो अल्लाह अरब आलमीन ने इस आयत में ये नहीं कहा कि क्यामत की सुबह तक फिर उनकी लाश को बाकी रखेंगे नहीं बल्कि सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए कहा है फलियोम का है कि आज यानी जब वो डूबा था जिस दिन वो डूबा था तो उस दिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों के लिए अल्लाह ने कहा कि वहां हम इसकी लाश दिखाएंगे ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये मर है। तो ये है कुरान में कुरान में ये नहीं है कि क्यामत तक उसकी लाश बाकी रहेगी ऐसी कोई बात कुरान मजिद में मौजूद नहीं है इसलिए आज बाज अजायब खानों में जो एक लाश रखी है कहते हैं ये फिरौन की लाश है तो अल्लाह ही बेहतर जाने वो उसकी है या नहीं है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है लेकिन अगर है उसको कुरान से जोड़ना ये गलत बात है कुरान से उसको नहीं जोड़ना चाहिए और कल को लाश गायब होगी किसी ने उसको ख़त्म कर दिया कोई चोरी कर लिया किसी ने जला दिया कुछ कर दिया तो कोई ये नहीं कह सकता कि कुरान का बयान गलत हो गया क्योंकि कुरान में ऐसा है ही नहीं ये तो कुछ लोगों ने पता नहीं कहाँ से ऐसे गप उड़ा दिया है कि कुरान ने कहा है कि नहीं फिरौन की लाश को हम मत तक तो बाकी रखेंगे कुरान ने कहीं ऐसा नहीं कहा इसलिए वो लाश जिसको कहा जाता है कि फिरौन की लाश है वो गुम हो जाए गायब हो जाए इधर उधर हो जाए तो कुरान पे कोई इल्जाम हो सकता समझ रहे इसलिए जो लोग भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं गलत बातें लोगों में आम कर रहे हैं उनसे होशियार रहने की जरूरत है और फिरौन के नाम की जो लाश दिखाई जाती है हकीकत में वो इस फिरौन की है या नहीं है अल्लाह ही बेहतर जानता है और हो या ना हो ये एक अलग चीज है लेकिन यह कहना कि अल्लाह ने वादा किया है कि उसकी लाश क्यामत तक रहेगी यह गलत बात है यह कुरान में कहीं नहीं अल्लाह तला का ऐसा कोई वादा नहीं है इसलिए अगर वह लाश फिर की हो भी तो क्यामत तक रहे इसकी कोई गारंटी नहीं ली गई है ठीक है तो फिरौन की लाश से मुतलिक ये एक अफवाह लोगों में गर्दिश कर रही है उसकी भी मैंने आपके सामने वजाहत कर दी है आगे बढ़े अल्लाह तला फरमाता है अजाब कि ये आले फिर फिर आदमी बदतरीन अजाब देते थे तो बदतरीन अजाब दो वजह से कहा एक तो ये कि ये जो कत्ल करते थे ये कत्ल के साथ साथ ताजीब भी होती थी एक होता कत्ल एक आदमी की गर्दन मार दी ये हो गया कत्ल और एक होता ताजीब यानी उसको तड़पा तड़पा के मारना पहले हाथ काटा फिर पैर काटा फिर इस तरह से काट पीट के उसको टुकड़े टुकड़े करके कत्ल करना तो ये मर्डर भी है और साथ में

टुकड़े टुकड़े करता था टुकड़े टुकड़े करके मारता था तो एक तो यह है बदतरीन कि टुकड़े टुकड़े करके मारता था और दूसरा ये कि वही मर्दों को मारता था औरतों को कैद कर लेता था तो ये भी एक तरह का अजाब है बदतरीन नजाब है यानी मर्दों को मार देना और औरतों को कैदी बना लेना तो ये दोनों चीजें एक साथ बदतरीन अजाब हो जाती है किसी भी फैमिली में मर्दों को मार दिया जाए और औरतों को कैदी बना लिया जाए उनको बाँधी बना लिया जाए तो ये उस फैमिली के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बदतरीन अजाब है उसके लिए तो ये दो चीज़ें एक तो टुकड़े टुकड़े करके मर्दों को मारते थे और दूसरा औरतों को कैद कर लेते थे इसी को अल्लाह तला ने कहा है कि ये आल फ़िन बहुत बदतरीन अजाब में मुबला करते थे वफीज आलकुम बलाउम रब अजीम अल्लाह तला कहता है कि इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी और बला का एक माना बाज़ अलम ने किया है कि इम चुनाचे तफसीर जलालैन में है यहाँ पर बला की तशरी में कि इबतला ओ इन आम यानी ये जो की तरफ से बनु इसराइल को अज़ाब दिया जाता था, था। इसमें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी बनु इसराइल के लिए ओ इाम या अल्लाह तबारक वाली ने जो इनको निजात दी इनको बचाया इस जुल्म से ये अल्लाह रबालमिन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और कराम है और यहाँ पर अल्लाह रबालमीन ने अले फ़िरौन के दो मजालिम का जिक्र किया है मर्दों को कत्ल करना औरतों को बादी बनाना लेकिन ये सिर्फ दो ही जुल्म ही होते थे फिर उसकी कौम की तरफ से वो बहुत सारे जुल्म ढाते थे लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े बड़े मजालम थे इसलिए अल्लाह तबारक ताल इनका तस्कर किया है तो ये आरोन के मजालम थे इस म से अल्लाह रबालमीन ने बनु इसराइल को निजात दी वो इस तरह कि दरिया को पार करा दिया और इसी दरिया में पार करने के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते पैदा किए मूसा सलाम ने लाठी मारी रास्ते बन गए ये लोग पार हो गए और फिरौन का लश्कर जब पार हो रहा था तो अल्लाह ताला, ताला ने वहीं पर इनको डिबो दिया आला फिर फिरौन व अंतुम तंजुरून हमने आले फिरौन को डिबो दिया दरिया में व अंतुम तंजरूम और तुम देख रहे थे तो जुल्म चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो और कितना ही बदतरीन क्यों ना हो अगर अल्लाह है वाले हैं अल्लाह है से रुजू किया जाए अल्लाह से तोबा की जाए अल्लाह की तरफ पलटा जाए तो अल्लाह ताला आज भी ऐसे मजालिम के ख़िलाफ़ मजलूमों की मदद कर सकता है जैसे अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे जालिम और जाविर बादशाह और उसके लश्कर से बनु इसराइल को बचाया उनकी हिफाजत की आज भी अगर किसी कौम पर इस तरह के फ़िरन और उनके लश्कर जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह ताली उन्हें भी बचा सकता है अल्लाह की तरफ करें अल्लाह से तोबा करें अल्लाह की तरफ इनाबत करें तो अल्लाह ताला उन्हें भी बचा सकता है आज की मजलिस में इसी पर इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह आइंदा जो अगली आयात है उनकी तफसीर हम देखेंगे तो व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज को बनाने में खालिद अल उमैरी और उनकी फैमिली ने पूरा किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें